रुक करते हैं प्रदेश की ओर। सीएम जयराम ठाकुर ने अवैध खनन को लेकर विपक्ष के हंगामे पर तंज कसा है। तपोवन विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ये चाहे कि सभा में अभी बटालियन भेजो तो ये संभव नहीं है। इसको लेकर विपक्ष का इतना जिद्दीपन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में अवैध खनन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई है। जब मंत्री जवाब दे रहे थे तो जवाब को स्वीकार करना चाहिए था। सीएम जयराम ठाकुर ने अवैध खनन को लेकर विपक्ष के हंगामे पर तंज कसा है। तपोवन विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ये चाहे सभा में अभी बटालियन भेजे तो ये संभव नहीं। इसको लेकर विपक्ष का इतना जिद्दीपन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में अवैध खनन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई। जब मंत्री जवाब दे रहे थे तो जवाब को स्वीकार करना चाहिए था। सदन में बैक आउट करना ठीक नहीं था। विपक्ष में बटालियन भेजने की बात की है, हमने कहा कि इस पर विचार करेंगे, हर पहलू पर सोच विचार होगा। अगर बटालियन भेजना आवश्यक लगा तो इस मामले में आगे बढ़ेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज नहीं ये कई साल से चला है। जब बीजेपी सरकार आई तो अवैध खनन पर सख्ती की गई। सदन में मंत्री ने बताया कि वे खुद कई बार औचक निरीक्षण पर गए हैं और अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसा है। बहुत तो अच्छी चर्चा उस सारे विषय में हुई। मंत्री ने जवाब दिया, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी कि आज ही नहीं ये पिछले कई सालों से ये चला है और उसके बाद हमारी सरकार ने सख्ती से उसमें कदम उठाए हैं, कार्रवाई की है। मंत्री ने खुद कहा कि कई बार खुद भी जाकर के वहां पर जाकर के जो है औचक निरीक्षण पर वहां पर जाकर के आए हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर सदन से वॉकआउट करना, और वो भी अपने आग्रह किया उनने कि भाई बटालियन भेजिए, बटालियन भी हमने कहा इस पर विचार करेंगे। विचार करने का अभिप्राय यही होता कि हम की वहां की थोड़ा असेसमेंट करेंगे और उस बात को लेकर के अगर हमको आवश्यक लगेगा तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, बटालियन भेजेंगे। लेकिन उसमें भी कि भाई बटालियन भेजने के लिए अभी आपको, तो मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों को लेकर के इतना जिद्दीपन जो है वो ठीक नहीं होता। सर खुद ही चर्चा भागते हैं और खुद ही जो भागते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर। हाँ, इसलिए मेरा यही कहना है कि जब विषय पर गंभीरता से चर्चा हो रही है तो ऐसे संदर्भ में जब जवाब आया तो जवाब को उनको स्वीकार करना चाहिए। सर मनाली में हुई उसमें से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो मनाली में घटना हुई, जो होमगार्ड के जवान पर गोली चलाने की कोशिश की लेकिन गोली लगी नहीं, लेकिन उसके बाद जो उनके पास जो हथियार था उस हथियार से जो है सिर में उन्हें उनको मार करके चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो उसमें कार्रवाई है। और जो एक आदमी जो भागा हुआ है उसकी संभावना से लग रही थी उसको जल्दी पकड़ के रहेगा।